कि असी शॉर्टलिस्ट किए हुए सी नाल नाल ही। सब तो पहला जो ने टॉप 3 ਦੇ ਵਿੱਚ 716 हरप्रीत कौर, वाओ, 709 कविता शर्मा, वाह जी वाह, टॉप 301 शैली, क्या बात है। लो जी आज दी जेड़ी मिसिज पठानकोट डिक्लेयर होएगी जिहदे सिर सजेगा मिसिज पठानकोट दा और इन्हां तिन्हां मुटियारां चों किसी एक दे सिर पे। बाकी सारे पार्टिसिपेंट्स मैं कहूँगा कि तुसी अपनी सीट पे बैठ जाओ, ठीक है। जजिस तुहानूं तिन्हां नूं क्वेश्चन पूछणगे, तुसी उस बिहाव ते चुनी जाएगी आज दी मिसिज पठानकोट। पर एक गल मैं बाकी सैमीफाइनलिस्ट को भी दस दिंदा जिहड़े अज सिलेक्ट होए ने कि सैमीफाइनल यू ऑल आर इक्वल। ये सिर्फ मिसिज पठानकोट का जिहड़ा तुहानूं अज ताज मिलन जा रहा, टैग मिलन जा रहा, बट सैमीफाइनल तुहाडे सारे लिए सेम ही रहेगा, ठीक है। सैमीफाइनल ये नहीं है कि जिहड़ी मिसिज पठानकोट बनी है तो उन्होंने उत्थे 10 नंबर फालतू के मिल जाने, इदा का कुछ नहीं है। ये पठानकोट का जोड़ा एक टैग तुहानूं अज मिलना, वो अज का जोड़ा मौका है कि अज तुहाडे तिन्हां चों जिहड़ी लक है, किस्मत है, वक्त तुहानूं क्वेश्चन किदां दा आ रहा है, तुहाडा आंसर किदां दा, इहदे ते डिपेंड है, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट तुहानूं तिन्हां नूं, ओके। अच्छा एक गल दसो, तुहाडे तिन्हां चों जिहड़ी भी कोई मिसिज पठानकोट भी डिक्लेयर होई, कोई छोटा टाइटल नहीं है एडे वड्डी उम्र दे बाद, तुसी की करना चाहोगे सोसाइटी लिए, की करना चाहोगे कुछ कोई एक ऐसा काम जो तुम सोसाइटी लिए करना चाहोगे? अगर मैं मेरा मतलब होगा अगर मैं सिलेक्ट होवांगी सोसाइटी लिए मैं सब तो पहला मैसेज दूंगी उन्हां सारियां लेडीज़ को कि जड़ियां तो बात नहीं निकल सकदियां, उन्हां ने एक मोल मॉडल की मॉडल बन के आऊंगी मैं और उन्हां को एप्रीशिएट करूंगी। वैसे मैं सारे बहुत किया है और इतना ही मैं इन फ्यूचर भी करूँगी कि वो भी अगे तो अगे आके अपने पार्टिसिपेट कर, अपने आप को अपना हुनर दिखान, अपने जो काबिलियत है वो सारे अगे रखन, ना कि झुक के बैठन या चुप करके घरों च बैठ जाए। थैंक यू सो मच। She is also selected in top 4 में. We will ask you also the question, right? ठीक है, ऐसा काम की करना चाहोगे जो तुहानूं मौका मिले? सर फर्स्टली मैनू लगता है कि आज पंजाब बड़े बुरी हालात में गुजर रहा है बिकॉज ऑफ नशा। नशा एक इदा की जिलत बीमारी है जी पंजाब में अंदरों अंदरी खा रही है। सो मैं चाहनी हाँ कि एज अ रोल मॉडल लाइक गर्ल्स भी आजकल कि लाइक अल्कोहल लाइक एंड अदर ड्रग्स लै रही हैं। सो मैं चाहूँगी कि मैं उन्होंने रोल मॉडल बना तो उन्होंने एक मैसेज दे सका कि नशे से कुछ नहीं रखा, माँ प्यो तो तुम सारे बड़े प्यारे होंगे हो। एज अ मदर जो मैं मदर बनी है और अपने बच्चे का की प्यार होंगे हूँ समझ आई है और सच्ची कहती है कि नशा बहुत माड़ी चीज़ है। सो नशा पंजाब तो खत्म हो जाना चाहिए। थैंक यू जी। कविता जी शॉर्ट जी I would like to ask from 709 तुसी पठानकोट तो ही बिलोंग करते हो? हाँ जी। ओके एंड योर गुड नेम? सॉरी मैं भूल गई हूँ। मैम मेरा नाम कविता शर्मा। कविता, कविता मेरा सवाल है कि जे तुहानूं वाहिगुरू जी मिलते हैं, हाँ जी, तुसी उन्हां कोलों की एक क्वेश्चन या तुसी की मंगना चाहोगे उन्हां कोलों या की चेंज लिआना चाहोगे अपार्ट फ्रॉम ऑल द चेंजेस जिहड़े हुणे बोल दित्ते गए उन्हां तो अलग? क्वेश्चन की मैं मंगना चाहूँगी या कुछ भी तुम मंगना चाहोगे या पूछना चाहोगे? दोनों चीज़। मैम जो वाहेगुरू जी मैं मिलन गए मैं एको ही गल वाहेगुरू जी को कहना चाहूँगी कि वाहेगुरू जी जो धियाँ दिंदे हो ना तो धियाँ चंगी समाज सही करो कि धियाँ समाज में रह के ना सुरक्षित महसूस करन, क्योंकि धियाँ अजकल बहुत अगे बढ़ रही हैं, पढ़ लिख रही हैं, लेकिन जो समाज है ना यह समाज इतना कोई गंदा हो चुका है। मैं सारे की गल नहीं कर रही, 5 साल के 3 साल के बच्चे नहीं छाड़ती। तो मैं एको ही वाहेगुरू जी अगे अरदास करा कि वाहेगुरू जी इन्नी बुद्धि पाओ सारे कि साड़ियाँ धियाँ वड्डियां या कोई भी औरत है राती 12-1-2 बजे तक जो काम भी करती हैं दिल खोल के जान, उन्होंने कोई डर ना होए समाज तो या यह बंदियां कोलों जो गलत करते हैं कुड़ियां नाल ते साडे माँ प्यो भी सुखी रहे। धन्यवाद। सुथरा समाज उसी बारे में शुरू करो। हाँ जी थैंक यू। contestant number 716 of the good name Harpreet Kaur। Harpreet, अगर आप मिसेस पंजाब में सिलेक्ट हो जाते हो तो लाइक यू आर मिसेस पंजाब, क्या रिएक्शन होगा आपका? ओह माय गॉड। और उसके बाद पहली चीज क्या करोगे? पहली चीज थैंक यू करूँगी सबका और अपने हस्बैंड को हक करूँगी। अपने आप को रिप्रेजेंट करोगे उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? मैम मिसेस पंजाब को कैसे रिप्रेजेंट करोगे कि यू आर द विनर ऑफ मिसेस पंजाब? इट रिस्पांसिबिलिटी नो कितना ओके। मान लो जी मैं बन जानी है तो मैं लगता भी है तो मैं एज एक ज्वाइन करांगी अपनी टीम में। फर्स्टली देने मैंने अच्छे तक पहुँचाया और अड्डा बड्डा प्लेटफॉर्म देता मैंने और मैसेज तो मैं तुम अगे पहले दसिया कि एक दिन मैं नशे के नाल हैगी है वो करांगी दूर जिन्ना मेरे को हो सकेगा एज बाय एरिया जिन्ना मेरे नियरेस्ट होएगा तो बस मैम होर अपनी सोसाइटी में भी अगे लैके जावांगी। एक चीज़ मैम सारे लोग मदर इन लॉ माड़ा करते हैं ऐ ना बोलिया करो बस। बड़ा सोना है मतलब रिलेशनशिप है और सोना ही रहना चाहिए। थैंक यू। शैली है ना शैली जी मैं 30 सेकेंड ही आंसर करना कि फैमिली के कुड़ियां मुंडियां का कंपैरिजन बहुत किया जाता है ना कई बार वैसे नहीं किया जाता कई जगह पर बट स्टिल कई जगह पर है मन होंगे जो भी घर की नूं पहली बार प्रैगनेंट होंगी है तो 90% लोगों के दिमाग से यही चीज़ चलती है मुंडा हो गए मुंडा उपरों उपरों तो कही जाएंगे सानूं कोई फर्क नहीं पैंदा बट अंदरों अंदरों पता लग ही जाता है कि दिमाग से ही चल रहा होंगे कि मुंडा हो गए है ना। तो तुसी इस चीज़ को किस तरह डिफाइन करोगे कि कुड़ियाँ मुंडिया तुसी लोगों को एक मैसेज दो अपने वालों कि कुड़ियाँ या मुंडिया कौन बैटर है या कितना किस चीज़ों ना कराया करो वो मैं 30-40 सेकेंड छोड़ तो सुनना चाहूँगी। मैम ये आंसर मैं एक आप स्टाफ नर्स हैं मैं खुद डिलीवरीज करती हैं जब एक पेशेंट होस्पिटल आता वो फसती है हमेशा कि मुंडा हो जो कुड़ी हो जाती है ना तो रिएक्शन देखने वाले होते हैं कुड़ी सी तो मैं कहती माता कोई गल नहीं कुड़ी है मैं भी तो कुड़ी है मैं मैनू देख मैं कितने पहुँची है दूसरे मुंडे देखो नशे करके गए हैं मेरे माँ प्यो देखो कि गलत है अज तक स्टाफ नर्स बनी है हूँ मैं एक कम्यूनिटी हैल्थ ऑफिसर सिलेक्ट हुई है जबकि मुंडे इस लैवल तक अजकल नहीं पहुँच रहे। ये मैसेज मैं हर एक उस लेडी को दिंदी है जी कुड़ी को देख के ना उठ बना लेंदी है हाँ अच्छा कुड़ी हुई है या उन्हें कपड़े दे दो तो जे कि मुंडा होया होता ना फिर तुम कि देखियो कि पैसे कट के जिन्होंने नहीं भी देने उन्होंने भी देंगे जबरदस्ती पकड़ा के साढ़े हाथ च भी कि ले लो ये मैं पैसे दिंदी नहीं। लगता है कसूरवार कौन है इस चीज़ का कि जेडे लाइक कई जगह भ्रूण हत्या अज भी होती है तो कसूरवार कौन है भ्रूण हत्या का? मैम साडी सोच लोगों की हजे तक वो सोच कि मुंडा होना बहुत जरूरी है वैसे मेरे हिसाब नाल कसूरवार एक लेडी ही है बिल्कुल क्योंकि जी जन्म दे रही है वो भी एक कुड़ी है जी उनकी सस माँ होंगी वो भी एक कुड़ी किसी जमाने से भी कुड़ी सी अजकल कोई सस है या माँ है ना जो मैं एक लेडी सस बन जाती है ना अब वो भुल जाती है कि वो एक माँ सी वो अगली नूं एक्सपैक्ट करती कि मुंडा ही रवे चाहे कुछ भी हो। मतलब मैं अपने थ्रू भी एक चीज़ कहना चाहती हूँ जेडे भी साडे मिसेस पंजाब को देख रहे हैं या सुन रहे हैं या कुछ भी है ना कि एक कुड़ी चाहे स्टैंड लगेगा कुछ भी कर सकती है क्योंकि कुड़ियाँ माड़ियाँ नहीं है कुड़ियाँ बहुत कुछ वधिया इवन पेरेंट्स को ज़्यादा प्यार करते हैं। मैं नहीं कहती कि मुंडे माड़े ने मुंडे भी चंगे ने दोनों बराबर ने मतलब आए ना तुम करो कि कुड़ियाँ के नाँ के मूँह बन जाए पर तुम आप भी कुड़ी हो कदे ना भूलो जो थोड़ी माँ तुम जन्म ना लैन देंदी शायद तुम जो अज वंश चला रहे हो चलाते हो उस टाइम में डिलीवरी करते हुए मैं दिल्ली में पै भी जानी है कि माँ का मूँह नहीं बनाना कुड़ी को खुशियाँ। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन। अच्छा थोड़े कॉन्फिडेंस के ओवर कॉन्फिडेंस की डिफरेंस है कॉन्फिडेंस वो है कि जो साडा किता है वो साढ़े अगे है, सानू भी पता देखो साढ़े दिल में की है, सानू सामने है, असं जो किता है। ओवर कॉन्फिडेंस वो हो जाता कि सानू पता भी असी गलती की है, असी फिर भी छुपाते हैं सारे तो, ताकि असी उन्होंने सामने ना रिप्रजेंट कर सकीए, तो असी अपने आप में पहले मान लेंगे कि ताज साढ़े सिर पर आएगी, तो यह ओवर कॉन्फिडेंस होंगे। और कुछ होर मैम कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस मैम जिदा कॉन्फिडेंस ही कि मैं मिसिज पंजाब जाना है, तो मैं अपने आप में पूरा पंजाबी एंटायर दिता कि शायद मेरा हो सके। मैंने ओवर कॉन्फिडेंस अदों आ जाता कि मैं पहले कह दिंदा टुडे मैं ही जीतांगी बिकॉज मैं पंजाबी एंटायर है, सॉरी इदा नहीं होता। अगर मैं पंजाबी एंटायर आई भी हाँ तो मैं पर थोड़े सैटिस्फेक्शन नहीं दे पाई कि मैं कितना जित जावांगी, तो वह हो जाता ओवर कॉन्फिडेंस मैम। ओके गुड, थैंक यू। दोस्तों ने अज दार टॉप फाइनलिस्ट जोरदार तालियां तो होनी चाहिए, थोड़े दुनिया के चार होंगे मुझे कुछ के जजिस ने कुछ खास देखा है तो बाकी जिन्या होर सैमीफाइनलिस्ट सिलेक्ट हुई हैं उन्होंने सारे बहुत बहुत मुबारक, जोरदार तालियां अपने लिए भी मार लो, तो जो सिलेक्ट नहीं हो पाई अज इस मौके पर वो दिल ना छोड़ो। चंडीगढ़ एडिशन अगले संडे को हो रहे हैं, उत्थे भी आ सकते हो, उसके बाद एक होर एडिशन होने हैं अंबाले, उत्थे भी आ सकते हो, तो जे वेट कर सकते तो अगले साल फिर असी आना। अपने आप को होर तैयार करो वधिया तरीके नाल, हो सकता है इन्हां दी जगह जिहड़ियां तुसीं अज रह गए तुसीं इहदे खड़ियां होवोगे अगले साल। इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहना, ऑप्टिमिस्टिक रहना, दुनिया 'च कुछ भी इंपॉसिबल नहीं है। ओके तुसीं जिहड़े सोच लो तुसीं सब कुछ कर सकते हो। तुसीं अज अपने घरों निकल के इस मंच तक आए हो, इहो तुहाडे लई बहुत वड्डी गल है, ठीक है। इसलिए डरना भी नहीं, सोचना भी नहीं कि असीं रह गए, कुछ नहीं होया। ये मूवमेंट सीगा, इहदे तुसीं इंजॉय कीते है बड़े वधिया तरीके नाल सारेयां दे नाल। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। तो मैं हुण चाहूँगा कि इस तो पहले रिजल्ट सोच रहे हैं, मैं परविंदर भाई कहूँगा, साढ़े अश्विनी गुप्ता जी साढ़े नाल इत्थे मौजूद ने, जिन्होंने बड़े लजीज सारे रिफ्रैशमेंट सानूं खवाई है। तो कितने ने साडी मनीषा और आराधना एक वधिया जिहा गिफ्ट के नाल जो तुसी बनाए मोमेंटो, इन्हों दे के आप ऑनर करिए। सिंह जी को गुजारिश करूँगा कि स्टेज पर आओ, तो सरबजीत जी प्लीज़ ज्वाइन करो, एक मिनट आगे। अश्विनी गुप्ता जी प्लीज़ जोरदार तालियां। कल ही असीं गुजारिश की है तो बेस्ट एंड बेस्ट सानू ऑल द सपोर्ट अज वधिया रिफ्रैशमेंट ऑर्गनाइज करके दी है, सारा कुछ सॉन्ग सुनाए साढ़े अज के सेलिब्रिटी गेस्ट करण खोखर। थैंक यू करण जी। ऑल द बेस्ट विशेस। जी को गुजारिश करूँगा प्लीज़ वो भी आओ, साढ़े अज के गेस्ट ऑफ ऑनर निधि जी, निधि मेहता। और मैं आपको गुजारिश करूँगा प्लीज़ ज्वाइन करो सानू। मोनिका जंजुआ जी को गुजारिश करूँगा प्लीज़ ज्वाइन करो। जोरदार तालियां मोनिका जंजुआ, मिसेज मलेशियस 2017। रंजीता कमल, जोरदार तालियां। प्रिंसिपल सर नीरज सर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो प्लीज अंदर आ जाओ, कितने बैठे ने, जोरदार तालियां प्रिंसिपल नीरज सर। थैंक यू, थैंक यू सो मच। 2017 की पंजाब की विनर साढ़े पठानकोट की आन बान शान पिंड सुंदर चक लागे तो कहना सुंदर चक शहर का नाम पिंड का नाम रोशन किया पठानकोट के सारा सारे का सिर फखर होना चाहिए साड़ी भैन साड़ी धी समृद्धि ओबराय। सर प्लीज ज्वाइन करो। भी है कि नहीं है दसो पहले। ये बहुत अच्छी डांस इंस्ट्रक्टर हैं, वेरी डेडिकेटेड, वेरी डाउन टू अर्थ। और सर ये जो रिजल्ट आ जाना ना और बाद पंजाबी गाना चलना तो इन्होंने सानू डांस करके दसना भी है। मैं तुहानू दसा इन्हां दा डांस पिछले साल इन्ना पसंद किया गया फाइनल तक बार बार थल्लों आवाज़ां आंदियां सी वंस मोर वंस मोर वंस मोर। अज असीं तुहानू दिखावांगे कि सॉन्ग ही बनवा लीजिए वंस मोर। ठीक है जी। मैं चाहूँगा सर सर जे मैं डांस करदी देखी तो फिर निकल नहीं देंगे वो यहो दे इंसीडेंट चंडीगढ़ होंगे। मैं चाहूँगा अपने आराधना एक प्यारा जहा ही यादगार सरबजीत लिए भी बनाया प्लीज दियो। थैंक यू सर। प्लीज ज्वाइन करो। लेडीज एंड जेंटलमैन ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर नन अदर देन समृद्धि होता है। सरबजीत कौर आज पूरे पंजाब के हिंदा नाम गलत नहीं बोलिया दिस मोमेंट। थैंक यू सरबजीत। और इन फ्यूचर भी साढ़े नाल इसे तरह ही तन मन धन के नाल लगे रहना मिसिज पंजाब के नाल। थैंक यू। लो जी ये चारा कुड़ियां दे जड़ियां दिलां दी धड़कन मैनूं लगदा हो रहा है कि मैं बनना या मैं। अच्छा फटाफट दसो कौन बनेगा मिसिज पंजाब तो चार थले कर लिया। अच्छा फिर तुम्हें की लगता गैस कर लो कौन बनेगा। हरप्रीत लगता। चलो बाकी पूछने कौन अनाउंस करेगा अज की जजमेंट। तुम्हें की लगता कौन बनना चाहिए वैसे 101 00 701। ओके ठीक है जी। बाकी तुम रब जानता है तो जज जानता है। अच्छा कौन अनाउंस करेगा जी। लो जी ओके सरबजीत अपने तरीके दे नाल मिसिज पठानकोट 2019 को अनाउंस करेगी। लास्ट ईयर 2018 के विनर मिसिज पठानकोट 2018 सरबजीत मोनिका। चलो देखो जी जिदा सोमवार नहीं होंगे राजा कि दुरिया पे हाँ सही गल है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन here is the winner of Mrs. Pathankot 2018 Madam Ji। Wow Madam मिसिज पठानकोट को देके ऑनर करो। मुबारक, कंग्रेचुलेशंस। मैं चाहूँगा मिसेज पठानकोट 2019 दो अल्फाज। बहुत शुक्र है, थैंक यू वाहिगुरु जी। आई एम सो ब्लेस्ड टू अचीव दिस अचीवमेंट एंड नथिंग वर्ड। मेरी ना ऐसे एक्साइटमेंट लगी है कि मेरे को वर्ड्स नहीं है आज एक्सप्रेस करने के लिए। आप ऐसे सब कुछ वापस ले लो, फिर वर्ड्स आ जाएंगे। मतलब एक बहुत ही चंगी हाई आया। मेरे जेडे फादर हैं वो मेरे ते बहुत प्राउड करते हैं शुरू तो, और आज मैं रियली मुझे लगता है कि मैं अचीव किया है। और थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग मी एंड थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। गाना तुझे रखना पंजाबी, सरबजीत के गाने सानू डांस करके दसना पंजाबी गाने दे। और स्पेशली सोनी बेकरी की ओर से केक भी है, लेकिन उससे पहले हम ऑर्डर करेंगे हमारे इस सारे इवेंट के लिए बहुत प्यारा सा ऑडिटोरियम प्रोवाइड करने के लिए हमारे प्रिंसिपल सर जी सर सर परमिंदर सर प्लीज कितने जोरदार तालियां दोस्तों प्रिंसिपल सर लिए। इतने हम्बल पर्सनैलिटी बहुत कम लोग हैं दुनिया में। मेरा नहीं है वो मोबाइल से काम नहीं करते, मेरा नहीं है वो। First of all, I extend my gratitude to Parminder ji, Vinay ji, Sarabjit ma'am and the team 9 to 9 Entertainment for giving Sandipni School an opportunity to host this show. Really, today, this evening in Sandipni's auditorium, it is studded with fantabulous celebrities and I could see gorgeous participants. I would love to say one thing, winning and losing doesn't matter. What matters is at least you got an opportunity, which was the most important thing. One more thing, कहते हैं खुद ही को कर बुलंद इतना, this for all the participants. खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से पूछे, बता ए बंदे तेरी रजा क्या है, बता ए बंदे तेरी रजा क्या है। So there is nothing to lose your hopes, lose your heart. This was just a beginning, right? At least you are carrying home some memories. And if we'll see on an average number of female in Pathankot, I think so it will not be less than 1 lakh married minimum. And you are out of that, 16 or 20 blessed. At least you dare to participate. So thunderous applause for all the participants, and of course congratulations to our winner. God bless you. May you attain more towering heights. And thank you Vinay ji for giving us this chance to host this show. Thank you. Thanks a lot Neeraj sir. Ek pyar bhara tohfa Neeraj sir te sade Harpreet bhabhi nu bhi dena tusi. Asli mein ye pyar deta hai. हाँ जी। और ये प्यारा सा तोहफा मैं चाहूँगा परमिंदर सर अपने हाथों से भाई साहब। ओके। और सर साढ़े अश्विनी जी ने स्पेशल केक बना के दिया। मिसेस थैंक यू सर। Congratulations, hearty congratulations to all of you. See you semi-finalists and semi-final. मेरा पानी मेरा गोल सफाई। साइड हो जाओ। हेलो जी, सत श्री अकाल। आई एम द विनर ऑफ 2009 मिसिस पठानकोट। लो जी, आज मैं बहुत खुश हाँ, मेरा सुपना साकार होया। लो जी, हुण नैक्सट एडिशन है साडा चंडीगढ़ 8 तरीक नू। आओ सारे उत्थे मिलिए, ज्वाइन करिए और खूब सारा मेला लुट लिए।